नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्या खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जिला परिषद कर्मी काम पर लौटे पंचायतों व मनरेगा के काम पकड़ेंगे रफ्तार। राज्य की 3615 पंचायतों के काम और मनरेगा के कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। 22 दिनों से हड़ताल पर चल रहे राज्य के 4700 जिला परिषद कर्मचारियों ने पिछले कल अपना कामकाज संभाल लिया है। हालांकि शिमला में स्थानीय अवकाश रहा है, लेकिन अन्य जगहों पर जिला परिषद कर्मचारी अपने काम पर लौट आए हैं। पंचायतों में जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल आदि अन्य दस्तावेजों को देने के लिए विभाग ने प्रबंध कर दिया था, लेकिन तकनीकी असेसमेंट कार्य टेक्निकल स्टाफ जेई के न होने से नहीं हो पा रहे थे। इसलिए सरकार की ओर से राज्य के 167 जेई की सेवाएं बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ बैठक हुई, जिसमें मर्जर व छठे वेतन आयोग को लेकर आश्वासन दिया गया है। अब 30 अक्टूबर को मंत्री ने विभाग व जिला परिषद कर्मचारियों की बैठक बुलाई है। ADC सोलन अजय यादव ने बताया कि जिला परिषद कैडर के सभी कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। इससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति तो मिलेगी, साथ ही आम जनता को हड़ताल की वजह से जो परेशानियां हो रही थी वे भी दूर होंगी। तो प्रमुख रूप से यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कर्मी काम पर लौट आए हैं, जिससे जो है पंचायत व मनरेगा के काम फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।